हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीजनिंग विथ अमृत। रीजनिंग विथ अमृत मेरा नया चैनल है और इस चैनल के नाम से दो चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी कि ये चैनल रीजनिंग के लिए है और मेरा नाम अमृत है। तो इस चैनल को बनाने का जो मकसद रहा है वो ये रहा है कि मेरा जो बैकग्राउंड भी रहा है वो ऐसा है कि हमने SSC और बैंकिंग की ही प्रिपरेशन अभी तक कराई है, तो जिसमें महारत हो काम वही करना चाहिए। तो हम SSC और बैंकिंग के जो टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, उनको हम इस चैनल पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और हमने जो फील करा है कि स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम आती है, खासकर अगर हम बात करें बैंकिंग की, तो बैंकिंग का पैटर्न आजकल आप लोगों ने देखा है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग अगर पेपर दे रहे होंगे या फिर अपने किसी पुराने साथी से आप पूछें, तो बैंकिंग डे बाई डे अब टफ होता चला जा रहा है। और पहले जो पेपर आता था वो सिर्फ एक पेपर होता था जिसमें रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश सब कुछ आता था। अब जो पेपर है वो दो फेज़ में हो रहा है आपका। अगर हम बैंकिंग में क्लर्क और PO दोनों की बात करें, तो एक आपका प्री का पेपर है और एक मेंस का, दोनों में ही रीजनिंग आनी है। और रीजनिंग आपके सिलेक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेंस की अगर हम रीजनिंग की बात करें, तो चाहे वो बैंक का PO का एग्ज़ाम हो या फिर क्लर्क का, दोनों में जो रीजनिंग आती है वो अच्छी खासी लेवल वाली आती है। तो हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक्स देखेंगे उसमें बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक जाएंगे, और स्पेशली हम लोग जिन टॉपिक्स को फोकस करेंगे, जैसे पजल्स हो गए, पजल में स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा फंसता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पजल्स आती हैं, जनरली क्लास में उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है करवाना, तो क्योंकि क्लास का अपना लिमिटेड टाइम पीरियड है कि उसमें आपको बैचेस ख़त्म करने हैं। तो यहाँ हम लोग बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक की अलग अलग टाइप की पजल्स भी देखेंगे। आपके और जो टॉपिक हैं इम्पॉर्टेंस, जैसे सिलॉगिज्म हो गया, बैंकिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का टॉपिक है, वो भी हम लोग देखेंगे। इनइक्वलिटी हो गया 5 नंबर, वो भी आता है। आपको जो स्ट्रेटजी रखनी है एग्ज़ाम में, वो ये रखनी है कि हमेशा बैंकिंग के लिए वो ध्यान रखिएगा हमेशा कि आप 5 नंबर के टॉपिक्स को पहले फोकस करिए। जैसे जो भी क्वेश्चंस ग्रुप में पूछे जाते हैं, जैसे इनइक्वलिटी हो गया, वो कभी भी 5 नंबर से कम का सेट नहीं आता है, या तो आएगा ही नहीं, और अगर आएगा तो 5 नंबर का सेट आएगा। सिलॉगिज्म अगर आएगा तो 5 नंबर का सेट आएगा। मशीन इनपुट अगर आएगा तो 5 नंबर का सेट आएगा। पजल्स कम से कम 3 से 4 सेट तो आनी ही आनी है, और एक सेट का मतलब 5 नंबर, मतलब लगभग 15 से 20 नंबर पूछना ही पूछना है। तो हम लोग यहाँ पर उन्हीं बड़े बड़े टॉपिक्स को ही डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा एग्जाम में आजकल नए टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे आप लोगों को बैंकिंग का पैटर्न पता होगा कि आजकल कंप्यूटर जो है वो रीजनिंग के साथ मर्ज होकर के आ रही है, खासकर बैंकिंग में मेंस के अंदर। प्री में तो पहले भी रीजनिंग में कंप्यूटर नहीं आता था, सिर्फ रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश ही आती थी। तो कंप्यूटर के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि रीजनिंग के अंदर मिक्स होकर के आते हैं, और स्टूडेंट कन्फ्यूज ये रहता है कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से है। जैसे लास्ट ईयर एक SBI के मेंस में क्वेश्चन पूछा था कोडिंग डिकोडिंग का, उसमें सारे स्टूडेंट्स को ये लगा कि ये कोडिंग डिकोडिंग का कोई नया पैटर्न है, हालांकि वो बाइनरी नंबर पर बेस्ड था। तो ये भी जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात आती है SSC की। SSC में हालांकि रीजनिंग का पोर्शन बड़ा आसान होता है, स्टूडेंट सबसे ज़्यादा नंबर उसी में पाता है, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें स्टूडेंट परेशान रहता है कि वो 1-2 नंबर हम और कर सकते थे। जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, डाइस है, क्यूब है, या फिर फिगर काउंटिंग है। सिलॉगिज्म जो हम बैंकिंग का डिस्कस करेंगे वो आपके SSC में भी काम आएगा। तो कुछ टॉपिक तो कॉमन हैं दोनों में, लेकिन जो प्योर SSC टॉपिक्स हैं, जैसे ऐसा कैलेंडर, क्लॉक, डाइस, क्यूब, मिसिंग नंबर, इन टॉपिक्स को भी हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो भी स्टूडेंट्स पैसे के कारण बहुत ज़्यादा कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना घर पे भी बैठ करके क्वेश्चंस को पढ़ सकें, देख सकें, टॉपिक क्लियर कर सकें। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं मेरे चैनल पर, और सबसे पहले तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो मेरे नए वीडियोज़ इस पर पढ़ेंगे वो आप देख पाएँ। और इतना मैं कंफर्म कह सकता हूं कि अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा। मैंने अभी जितना भी देखा है ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह रीजनिंग का, कोई भी ऐसा चैनल मुझे नहीं मिला जिस पर सारी चीज़ें प्रॉपरली दी गई हों। तो उम्मीद करता हूं कि आगे आप लोग इस पर अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। और बाकी
कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि अपना 100% हमेशा दूं, बाकी कोई गलती होगी तो वो आप माफ़ करेंगे हमें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।